बरेली कॉलेज बरेली के मैदान में बुधवार को आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में 20 मिनट के भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जनता के विकास के लिए कार्य कर रही है। स्थानीय निकायों को भी उसी प्रबद्धता के साथ सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी नाथ नगरी की पहचान झुमके के शहर से होती थी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से रोक लगा दी। प्रधानमंत्री ने विकास का जो मंत्र दिया, उसी मंत्र के साथ डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को साकार करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। बरेली में 31,000 से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है। 29,000 पटरी वालों को अपना व्यापार करने के लिए जगह दी जा चुकी है। भारत सरकार की प्रत्येक टीम में अब उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान पर है। वर्ष 2017 से 2022 के बीच में एक बार भी कर्फ्यू नहीं लगा। इसका मतलब साफ है कि सुरक्षा के मामले पर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। कानून और व्यवस्था से किसी कीमत पर किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे ज्यादा आबादी वाली जगह है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सबसे ज्यादा निवेश के लिए सबसे सुरक्षित जगह भी है। उद्यमी, व्यापार, किसान, युवा सब अपने आप को एक अच्छे निवेश के लिए मानसिक रूप से तैयार करें, और अगर कोई निवेश करना चाहता है तो वो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। डबल इंजन की सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, उस प्रतिबद्धता में न केवल डबल इंजन की सरकार बल्कि हमें स्थानीय निकाय की संस्थाओं के माध्यम से भी आम जनमानस की बुनियादी चिंताओं को आगे बढ़ाने के लिए उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।